नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। सोनिया गांधी पहले ही अपनी अस्वस्थता का हवाला दे चुकी हैं, जिसके चलते कांग्रेसी जनों में आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में ताजनगरी आगरा के जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी नेता को ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। विषय यह है कि हमारी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनको ईडी द्वारा कल बुलाया गया, परेशान किया जा रहा है अकारण, और ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे उसके दबाव में ईडी कार्रवाई कर रही है। जबकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, 2015 में जो भी मामला था वो मोदी आने के बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन ये उत्पीड़न हो रहा है, ये घोर उत्पीड़न है। इसलिए कांग्रेस जन, हमने आज ज्ञापन दिया, नहीं मानेंगे तो सड़कों पर निकल कर जो कांग्रेस जन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है कार्रवाई करेंगे। ये कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक मसला था जो 15 में समाप्त हो गया था, लेकिन ईडी द्वारा कांग्रेस के दबाव में बार बार कांग्रेस अध्यक्ष का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको समन किया जा रहा है। कल हम लोग सब दिल्ली गए थे और दिल्ली में सड़कों पर उतर करके भारत की विभिन्न राजधानियों में उतर के कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और अपनी बात कहने आए हैं कि अगर इस प्रकार का उत्पीड़न ये सरकार के दबाव में किया जा रहा, बंद नहीं किया, तो कांग्रेस जन इसका ईंट के जवाब पत्थर से दे। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।